राजनीति के अंदर एक भूताल आ चुका है यार। ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज भी रणजीत चौटाला को माफ नहीं है। चार लोकसभा क्षेत्र में वह इतनी सी थी ना जो कसर रह गई थी, वो इस बार मेट देंगे हम। फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो HR धमाका न्यूज मनजीत चौहान रहते रहे साथ में। उसी के साथ में आपने बता दूं भाई, कलंगा गांव के अंदर मौजूद हाँ, भिवानी डिस्ट्रिक्ट के कलंगा गांव के अंदर हिसार लोकसभा के अंदर आने वाले कलंगा गांव के अंदर मौजूद हाँ, वहीं पर आज आप तमाम आप चेहरे देखने लग रहे हो। साथ में अपने भाई शेर सिंह राणा जी है, जहाँ पर बात करा भिवानी कलंगा गांव से, यहाँ से एक प्रत्याशी तैयार कर दिया है लोकसभा के लिए। और बात करा शेर सिंह राणा जी से, भाई साहब राम राम। और कैसे हो? तो आज आपने उधर जो प्रत्याशी तैयार कर दिया है, देखिए जब पूरा समाज किसी को चुनाव लड़ता है तो उससे ज्यादा मजबूती क्या होती है। तो आज ये जो कलंगा गांव है और जितने भी सम्मानित लोग थे वो सब यहाँ मौजूद थे, और अब जो है पूरे गांव की जो है पंचायत रखी जाएगी। और हमें विश्वास है कि जिस तरह की पीड़ा समाज में आज है और जिस तरीके की जो राजनीतिक दल हैं उन्होंने हमें समाज को ठगा है, तो अब ज़रूरत है एक नई शुरुआत करने की, एक नया बीज लगाने की, जिससे कि वो पौधा बने, पेड़ बने और हमारे आने वाले जो बच्चे हैं, 36 बिरादरी का जो समाज है हमारा, वो उसका फल खाए और अच्छे योजनाओं का लाभ। तो राणा जी, इसमें तो है लोगों का एक और बड़ा कहना है भाई, अभी 5 साल के दौरान राणा जी कहाँ पर थे? देखिए मैं निरंतर यहीं पर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी, क्योंकि खुद प्रत्याशी नहीं रहा, तो प्रत्याशी का ये धर्म होता है कि वो क्षेत्र के में शामिल, क्योंकि मैं एक राजनीतिक दल का राज्यपाल का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी जैसे पूरे जैसे भवानी खेड़ा हल्के के लिए है, ऐसे ही पूरे हरियाणा के लिए है, पूरे बिहार के लिए है, पूरे उत्तर प्रदेश के लिए है। तो मेरी जिम्मेदारी क्योंकि पूरे देश के लिए है, तो जितना भी मैं समय निकाल पाता हूँ अपने भाइयों के बीच, मैं उतना समय हमेशा देता हूँ। लेकिन क्योंकि मैं प्रत्याशी नहीं हूँ, ये धर्म प्रत्याशी का है, और दुर्भाग्य ये रहा कि जो हमारा प्रत्याशी चुनाव लड़ा था, क्योंकि वो क्षेत्र का नहीं था, लेकिन क्योंकि इसी पंचायत में उसको चुना गया था, उसमें भी कोई मेरा रोल नहीं था, पंचायत के द्वारा दिया गया वो प्रत्याशी था। प्रत्याशी का धर्म था कि वो बीच में रहता, लोगों के सुख में आता, लेकिन उसने अपनी जो ड्यूटी थी उसको निभाई नहीं। और रही मेरी बात, मैंने आपसे बताया कि मैं एक पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी पूरे देश के, आपको बता दूं ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ जब 2019 में है, ऐसा तो है नहीं कि हम भवानी खेड़ा से चुनाव लड़े थे, हम पटौती से भी लड़े थे, हम चरखी दादरी से भी लड़े थे, हम बागरी से भी लड़े थे, हम करनाल के नीलोखेड़ी से भी लड़े थे, हम पंचकुला से भी लड़े थे, तो हम कई सीटों से चुनाव लड़े थे। तो आप बताइए एक आदमी कहाँ कहाँ जा सकता है। हम बिहार में 24 सीटों पर चुनाव लड़े थे, हम उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की अनेक सीटों पर चुनाव लड़े थे। अब लोकसभा का चुनाव है, दिल्ली से नॉर्थ ईस्ट सीट से हमारी प्रत्याशी हैं निवेदिता शर्मा, जो कि बीजेपी से 10 साल सांसद रहे हैं, BL शर्मा उनकी सुपुत्री। तो अब 25 मई का ही चुनाव दिल्ली में, 25 मई का ही चुनाव हरियाणा में है, एक प्रत्याशी हैं राकेश तंवर जी जो रोहतक से लड़ रहे हैं, एक प्रत्याशी हैं रमेश सप्पन जी जो कि हिसार लोकसभा से हैं, फरीदाबाद अंबाला महेंद्रगढ़ भिवानी का भी प्रत्याशी घोषित होने वाले हैं। तो राणा जी, इसमें जो है हमारा साफ साफ मकसद और यही रहता है भाई, हम जो है जनता की आवाज़ उठावा, जनता के मुद्दे लेके आवा, और यही पंचायत में जो है कुछ उस साइड में बैक साइड में बैठे लोगों का कहना था कि भाई राणा जी जो है एक कांग्रेस का एजेंडा है, कांग्रेस से फंडिंग हो रही है, इस प्रकार का उनका कुछ कहना भी था। अभी पूरे देश में क्षत्रिय समाज के लठ पीटे जा रहे हैं, तो इसमें कांग्रेस की गलती है भाई। कल लाखों लोग राजकोट में इकट्ठे हुए, तो वो अपनी परेशानी के लिए इकट्ठे हुए थे कि कांग्रेस ने उनको कहा, मतलब कि जूते भाजपा मारेगी और फिर कहेगी भाई तुम इकट्ठे हो रहे हो अपनी पीड़ा के लिए, इकट्ठा हो रहे हो तो कांग्रेस कर रही है। कैथल में डंडे मारे, मैं खुद था, हमें डिटेन किया,
और हम मान लीजिए ये कहें भाई बीजेपी तूने गलत किया, हमारा इतिहास चोरी कर लिया, तो ये बोलने के लिए क्या कांग्रेस का इंतजार करूंगा मैं? इतिहास मेरे बुजुर्ग का चोरी हो रहा है, मुझे पीड़ित हूँ मैं, पीड़ा है मुझे, तो बोलूंगा ना। तो ऐसे ही जो है हमारा समाज यहाँ पर निगलेक्टेड है। आज देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, 80% इस भारतीय जनता पार्टी ने ली इसी हरियाणा के अंदर। क्या पूरे राजपूत समाज में इसको एक व्यक्ति ऐसा नहीं लगा कि लोकसभा का टिकट दे देती? तो हम पीड़ित हैं, जब पीड़ित हैं और जिससे पीड़ा उससे क्यों है? क्योंकि 80% वोट हमने उसको दिया, तो उसने हमें कुछ नहीं दिया, तो उसी के लिए तो बोलेंगे। तो इसमें कांग्रेस की या किसी पार्टी की क्या बात है? तो इसमें राणा जी आप कहते हो कि भाई क्षत्रिय समाज के साथ में जो है बीजेपी भेदभाव कर रही है, उनके साथ में दुर्व्यवहार कर रही है, और वहीं पर आप जहाँ समाज की बात उठाते हो वहीं पर आपके समाज के बड़े बड़े दिग्गज नेता की बात करूं मैं, वे जो बीजेपी के एक बीजेपी के साथ है, बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी के लिए वोट मांग रहे हैं। वो इसलिए वोट मांग रहे हैं क्योंकि वो दिग्गज नेता है। दिग्गज नेता को क्या होता है, कई लाख तनख्वाह मिलती है, हजारों करोड़ कमाने को मिलते हैं, बड़े बड़े बंगले में रहने के लिए मिलते हैं, तो उनको जो समाज के 99% लोग हैं उनकी पीड़ा दिखती नहीं। तो आपके जैसे लोग बोल देंगे जी कांग्रेस ने कहा, आप बताओ इसमें कांग्रेस का इंतजार करने की क्या जरूरत है भाई? समाज पीड़ित है सीधा सीधा। आप बताइए ना, आपके सामने इतिहास चोरी हुआ, तो इतिहास जिसने चोरी किया उसका हमने विरोध किया। जब विरोध किया तो आप हम पे ये आरोप लगा रहे हैं कि उसने कहा इसने कहा। अरे भाई उसने इसने क्या, मेरे बाबा की चोरी करोगे तो मेरे को किसी के सिखाने की क्या जरूरत है? मैं खुद पीड़ित हूँ, अपनी बात रखूंगा, और वो रख रहा है समाज। जब से देश आज़ाद हुआ है, जब से हरियाणा बना है, क्या बीजेपी ने आज तक किसी राजपूत को सांसदी में टिकट दिया है? 10 के 10 टिकट डिक्लेयर हो गए कि नहीं? तो क्यों नहीं दिया? आपके सामने है कि 10 साल सरकार बने हुए होगी है। अब एक जैसे अग्निवीर योजना लाए ना, तो अग्निवीर योजना के देखम देखी ये 6 महीने के लिए एक मंत्री बना दिया, 9.5 साल में तो नहीं बनाया था किसी को, और वो भी राज्य मंत्री बनाया। लाखों लोग सड़कों पे आ गए हैं, तो आप फिर ये आरोप लगा देते हैं कि उसने कहा इसने कहा। जो आरोप लगाने वाले हैं उनसे ये पूछिए कि क्या आपकी इतिहास चोरी नहीं हुआ? क्या रूपाला ने आपके माताओं बहनों के लिए गलत शब्दों का यूज नहीं किया? और उसके बाद जब समाज विरोध करने के बाद भी क्या रूपाला का टिकट काटा बीजेपी ने? मैं आप एक सीट बता दीजिए, भाजपा ने कांग्रेस ने बिना रिजर्व सीट पर किसी 80 भाई को टिकट दिया हो? कल को ढूंढ के ला देना, पूरे देश में बता दो। इस हरियाणा में 10 की 10 सीट डिक्लेयर हो गई ना, तो बीजेपी ने अंबाला लोकसभा और जो ये जो दूसरी सीट रिजर्व है सिरसा, इनसे तो 2 टिकट दिए हैं। आप कहो बीजेपी से, ये प्रश्न आप बीजेपी से भी नहीं पूछते कि भाई तुमने करनाल से क्यों नहीं 80 भाई को दिया, या हिसार से क्यों नहीं दिया? भाई सबका अधिकारों की रक्षा करनी है ना। अब मान लीजिए 2 सीट 10 में से 80 भाइयों के लिए है, तो दूसरा भी तो समाज है, पिछड़े समाज के भी तो भाई है, राजपूत भी तो है, दूसरे लोग भी तो लड़ेंगे कि एक ही समाज लड़वाओगे? तो मैं फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे थे कलंगा गांव से, तो हाँ हिसार लोकसभा से कलंगा गांव से, उसी के साथ मैं आपने बता दूं भाई आरजेपी ने एक जो है बड़ा जो यहाँ पे बात करा राजनीति के अंदर एक भूचाल ला दिया है, जिसपे अपना राकेश तंवर भी साथ में जुड़ रहे हैं, जिनके अगर आपका जिक्र करूँ तो लोकसभा के अंदर क्षेत्र है रोहतक लोकसभा से जो है प्रत्याशी है। तो राम राम जी, राम राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, चैनल के फॉलोअर और व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को कवरेज करने के लिए। तो और बात करा बात तो हिसार लोकसभा की, क्या यहाँ से जो है एक मजबूत कैंडिडेट आपने जो चुना है वो क्या बीजेपी को टक्कर दे पाओ? देखो ये कलंगा गांव की ऐतिहासिक धरा है, यहाँ हमारे मेवा सिंह जी वाल्मीकि समाज से है, और इन्होंने पूर्व में यहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो मेवा सिंह जी को इतिहास सरकारी आंकड़े में दर्ज है, मेवा सिंह वाल्मीकि जी को केलंगा गांव की 100% वोट मिली थी। ये केलंगा गांव का इतिहास रहा है, इस गांव का चरित्र रहा है कि ये अपने लाडले के अपने बच्चे से बाहर वोट नहीं देंगे। तो पहली बात तो सभी बीजेपी नहीं, सभी पार्टियां यहां फैल नजर आ रही हैं। एक बहुत बड़ा गांव केलंगा जिसके प्रत्याशी रमेश जी खड़े हुए हैं, तो शायद इनके मुकाबले में दूसरी पार्टियां आप नु कहो इनके मुकाबले में कुछ नहीं है, और वहीं आपका साथ में खड़ेगा, मैं जिक्र करूं तो एक पूरे कांग्रेसी आदमी है आपके साथ में।
जी धर्मपाल जी आपके साथ। धर्मपाल जी हमारे सम्मानित हैं, गार्जियन हैं। देखो यहाँ इस सभा में या इस सदन में हजारों लोग थे, सभी की कोई ना कोई पार्टियाँ थी या किसी न किसी पार्टी से वो रखते हैं विचारधारा संबंध, लेकिन यहाँ एक भाईचारे की बात थी, पंचायत की बात थी, छत्तीस बिरादरी की बात थी। जैसे हमारे मेवा सिंह वाल्मीकि जी ने कहा कि आज तक तो मेरी इनेलो थी, आगे भी इनेलो रहेगी, लेकिन जब भी भाईचारे की पंचायत की सामाजिक निर्णय आता है तो मैं समाज के पंचायत के साथ हूँ। ऐसा ही हमारे सम्मानित धर्मपाल सिंह जी ने कहा था कि भाई यो गांव राम का फैसला है, पंचायत का फैसला है, हम इस पंचायत के फैसले के साथ सभी अपनी अपनी राजनीतिक पार्टियां और स्वार्थ को अलग अलग रखे रमेश जी के साथ है। तो धर्मपाल जी आपसे भी बात करा तो आप क्या इस गांव के लिए बात करा और समाज के लिए तो क्या इतनी बड़ी कुर्बानी दे पाओगे जिस पार्टी के लिए आपने जो है लगातार 15 सालों से काम किया है? मेरी सुन ले मारी गांव की मन तसल्ली है, जो हमारा गांव का जगह ना वह पार है, इस गांव की पावन धरती है, ये जो नारो तेरे मेरे करे जिम गांव का शुद्ध आ गया जिम गांव ने जगह को किसी वोट गिर गांव ने जगह को आई बाप आ गए कांग्रेस का आ गया चौटाला आ गया और कोशा का आ गया तो किसका किसकी मांग है वोट हमारा उठ रहा जितना हवा हम किसकी जाएंगे तुम बताओ उन्होंने पड़ी सरकार में मेवा ने टिकट मिली चौटाला सरकार आई दी थी सब करे की बूंदी दे दी थी पसीना लिया दिया था मरा हाथ कसर छोड़ी मरी ही इतनी कसर वो जो खरा कितना करो सुबह काट दे या मरी सी या मरी सी या मरी सी कसर थारी पूरी को दो इसकी नहीं करी हमने इसकी नहीं करी इसकी इतनी कसर कर पूरी करोगे अभी इस लोकसभा में हिसार लोकसभा क्षेत्र में वह इतनी सी थी ना जो कसर रह गई थी वो इस बार मेट देंगे आप पक्का वादा करते हैं। यानी जो कहन का वो है थारा मतलब साफ साफ है भाई यहाँ से जो है बीजेपी की उल्टी गिनती बीजेपी नहीं और पार्टियां भी थी लेकिन उनकी भी दाग गए आप आला कहना ही उल्टी गिनती शुरू होगी। तो फिलहाल इस टाइम आप देखने लग रहे हो बीजेपी को तो एक मिनट बीजेपी को तो खास करके पसीने छूट गए होंगे ये मीडियम का आज जो रिपोर्ट डाली और कई विशंबर भाई के सहयोगी साथी आ रहे थे रिपोर्ट डाली तो, चैनल के माध्यम से जो रणजीत चौटाला ने जो हमारे सम्मानित ब्राह्मण समाज के बारे में जो बयान दिया है उससे ब्राह्मण समाज ही नहीं पूरा क्षत्रिय समाज पूरा दुख है और हम उसके बयान की कड़ी निंदा करते हैं। ब्राह्मण समाज के साथ हैं और ब्राह्मण समाज के साथ साथ क्षत्रिय समाज भी रणजीत चौटाला को माफ नहीं करे। तो मैं फिलहाल देखने लग रहे हो आप ऐसा धमाका न्यूज और आपने बता दूं हिसार लोकसभा क्षेत्र के कलंगा गांव से आबाद जो है मौजूद हाँ और वहीं पर आप देखने लग रहे हो भाई राजनीति के अंदर एक भूचाल आ चुका है। यहाँ पे बात करा शेर सिंह राणा की तो एक भूचाल लेके आ गया जहाँ तमाम पार्टियों की जो है नींव हिल चुकी है। तो लगातार दर्शक तो यही कहूंगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करे। जय हिंद जय भारत।